तो दोस्तों ये मेरे पास डिवाइस है Redmi Note 10 Pro और इस डिवाइस पे मैंने MIUI 13 का स्टेबल अपडेट किया है। जब से मैंने MIUI 13 का स्टेबल अपडेट किया है उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद एडवांस सेटिंग में क्लिक करता हूँ तो दोस्तों अब आपको वहाँ पे क्लियर स्पीकर वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये Redmi Note 10 Pro में आपको क्लियर स्पीकर वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, पहले ये आपको MIUI 12 में मिल जाता था। तो इसका काम क्या होता था दोस्तों कि जैसे स्पीकर है, स्पीकर अगर आपको वहाँ पे डस्ट जम जाता था स्पीकर में या स्पीकर की जो ऑडियो क्वालिटी वो लो हो जाती थी तो क्लियर स्पीकर को यूज़ करके आप ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते थे, डस्ट को वहाँ पे साफ कर सकते थे। पर दोस्तों कुछ ऐसे लो सेगमेंट के डिवाइस है जिसमें MIUI 13 का स्टेबल अपडेट आने के बाद भी उसमें आपको क्लियर स्पीकर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पर जो हाई सेगमेंट है जैसे ये Redmi Note 10 Pro हाई सेगमेंट का डिवाइस है इसमें क्लियर स्पीकर वाले ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो कैसे इसको इनेबल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो डिवाइस है, एक है Redmi Note 10 Pro और ये डिवाइस है Redmi Note 10। Redmi Note 10 Pro डिवाइस में आपको क्लियर स्पीकर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा पर Redmi Note 10 के डिवाइस में ये ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ, ये जो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ Redmi Note 10 का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और क्लियर स्पीकर को इनेबल करने के लिए आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर स्पीकर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन करने के बाद 30 सेकंड तक यहाँ पे आवाज़ आता है और आवाज़ आने के बाद आप स्पीकर को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से ये यहाँ पे वर्क करता है। चलिए अब बात करते हैं Redmi Note 10 Pro में ये ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन पे क्लिक करूँगा और देख सकते हैं ये Redmi Note 10 Pro डिवाइस है। उसके बाद अगर मैं एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर स्पीकर वाला ऑप्शन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे सर्च में लिखते हैं क्लियर स्पीकर तब भी ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे स्पीकर लिखते हैं तो देख सकते हैं स्पीकर के ऑप्शन में भी आपको कहीं पे भी क्लियर स्पीकर वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। किसी पे भी आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्लियर स्पीकर वाले ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। अब इसको इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और एक एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन का नाम है एक्टिविटी लॉन्चर और इसको डाउनलोड करने के बाद ऑन कर देना है। जितने भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एप्लीकेशन है ये टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे लोड होना चालू हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद आपको दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते चले जाना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन है सेटिंग के, तो आपको सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते चले जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद किस ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डॉट सेटिंग डॉलर स्पीकर सेटिंग एक्टिविटी, ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते देख सकते हैं क्लियर स्पीकर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से आप यहाँ पे Redmi Note 10 Pro में क्लियर स्पीकर वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।